हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई, लेकिन आलिया की कुंडली में है एक ऐसा ग्रह जिसकी वजह से रणबीर की जिंदगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लव मैरिज है, और ऐसे में नीतू कपूर ने आलिया भट्ट की कुंडली को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनके पति ऋषि कपूर की यह आखिरी तमन्ना थी कि आलिया उनकी घर की बहू बन जाएं। लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आलिया से शादी करने के बाद खराब हो सकती है पूरी तरह से रणबीर कपूर की जिंदगी। चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में, पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आलिया भट्ट की कुंडली में गुरु नीच का बैठा है, जिस वजह से आलिया के लाइफ पार्टनर को दिक्कत हो सकती है। तो वहीं आलिया भट्ट की कुंडली में शनि की दृष्टि सीधा सीधा पति के घर पर पड़ रही है, जिस वजह से रणबीर कपूर का करियर आगे चलकर खराब हो सकता है। खबरों की माने तो आलिया भट्ट रणबीर कपूर पर भारी पड़ सकती हैं। हालांकि आलिया का करियर तो शादी के बाद भी अच्छा चलेगा, पर रणबीर का करियर डगमगा सकता है। यहां तक कि रणबीर की सेहत भी बिगड़ सकती है, क्योंकि आलिया की कुंडली में आंशिक मांगलिक दोष भी है। हालांकि कहा जाता है कि उम्र में 26वें साल को पूरा करने के बाद आंशिक मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, लेकिन आलिया की कुंडली में अगर वो दोष रह गया तो उसका खामियाजा रणबीर कपूर को उठाना पड़ेगा। और एक बात तो तय है कि अगर हम आलिया की कुंडली को देखें तो उसको देखते हुए रणबीर का करियर आगे चलकर डाउनफॉल देख सकता है। भाई, अब आपको क्या लगता है, कपूर खानदान का फैसला आलिया और रणबीर की कुंडली को ना मिलवाने का सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।